हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ खुले बालों में चार ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और सिलाई से रिलेटेड, ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल पे जाइए। सेकंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है, वहाँ पे आपको सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिल जाएंगी एंड ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो उस चैनल पर भी जाइए। और मैंने न्यू हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स वीडियो बाय प्रीत तिवारी, उसमें मेरी शॉर्ट्स वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी एंड अपनी अपनी आवाज में मैं मोटिवेशनल वीडियोज वहाँ पे अपलोड करते रहती हूँ, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से बालों को लेंगे एंड पतला सा एक लेयर उठाएंगे। ओके, और इसको सिंपल चोटी की तरह गूथ लेंगे। इस तरीके से सिंपल तरीके से इसको गूथ लेंगे चोटी को। पूरा एंड तक गूथेंगे। और इसको इस साइड करके इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। अब यहां से पतला पतला लेयर लेंगे। ओके, और उल्टी चोटी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे यहां पे बनाना है ऐसे। और इसके साथ ही लेयर्स को मिक्स करते जाएंगे। ईयर तक आपको ऐसे ही गूंथना है, पीछे के बालों को नहीं लीजिएगा। इस तरीके से गूथेंगे। गूथने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेंगे। ओके, बिल्कुल आराम आराम से। ऊपर तक इस तरीके से गूथेंगे। आई होप कि क्लियर दिख रहा हो आपको। अभी जो हमने चोटी बनाई थी इसको भी जस्ट इसके सेंटर से ऐसे लेके जाएंगे। चोटी जो हमने बनाई है उसके ऊपर से और यहाँ पे क्लिप से सिक्योर कर देंगे। ओके, ये अगर अपनी जगह से इधर उधर हो रहा है तो आप एक यूपिन या फिर छोटा वाला बॉबी क्लिप लेके इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इस तरीके से सेंटर में इसके यूपिन या बॉबी क्लिप को डालेंगे और इस तरीके से लगा देंगे जिससे ये अपनी जगह से इधर उधर ना हो, जो हमारा हेयर स्टाइल है वो परफेक्ट दिखे। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। तो जैसे हमने उधर बनाया था वैसे ही इसको भी चोटी को बना लेंगे यहाँ पे। जैसे इधर बनाया है हमने सेम उसी तरीके से आपको इधर भी बनाना है।
तो इस साइड का बना के फिर मिलते हैं। तो इस साइड भी हमने इस तरीके से गूथ लिया है एंड ये जो चोटी बनाई थी इसको इसके ऊपर से लेके जाएंगे और दोनों को एक साथ पिनअप कर देंगे यहाँ पे। अब ये जो चोटी हमने बनाई है इसको जो हमने पहले चोटी ये वाली बनाई थी नीचे वाली इसके सेंटर से एकदम लेके जाना है ताकि जो हेयर स्टाइल का लुक है वो प्रॉपर तरीके से आए। और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा ये हेयर स्टाइल का। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये वाला हेयर स्टाइल। तो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में भी इस तरीके से हमने सेंटर पार्टीशन की हुई है और थोड़ा थोड़ा सा बालों का लेयर लेंगे इस तरीके से और ट्विस्ट करेंगे। ओके, ये सेकेंड लेयर लेंगे, अगेन ट्विस्ट करेंगे, थर्ड लेयर लेंगे, उसी के साथ मिक्स करते हुए ट्विस्ट कर लेंगे अच्छे से। ईयर तक पूरा इस तरीके से ट्विस्टिंग करेंगे। बालों को इस तरीके से हटाएंगे और यहाँ पे क्लिप से सिक्योर कर देंगे और ऊपर से हेयर को डाल देंगे और ये हमारा एक साइड का लुक होगा। सेकंड साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। बहुत इजी है और साड़ी पे बेस्ट रहेगा, काफी अच्छा लगेगा और कोई भी इसको बना सकता है। आई होप कि आपको ये भी हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। एक बार अच्छे से देख लीजिए। थर्ड हेयर स्टाइल में अगेन हम लोग इस तरीके से सारे बालों को बीच मांग से कॉम कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको ऊपर से नहीं लेना है, यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेना है और इसको सिंपल चोटी गूथ लेनी है नीचे की तरफ से। ईयर के पास से आपको हेयर लेना है और चोटी बना लेनी है। ध्यान रखिएगा चोटी एकदम टाइटली बनानी है, लूज नहीं होनी चाहिए। पूरा एंड तक गूथ लेंगे। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से गूथना है। पहले इसको सिक्योर कर दे रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट लुक लेके आएंगे एंड यहां से हेयर का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसमें थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चोटी बना लेंगे। जो हमारे कान के पास बेबी हेयर्स होते हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि पूरा पकड़ लीजिए जिससे कि लुक थोड़ा एलिगेंट दिखे, अच्छा दिखे।
इस तरीके से गूंथ लिया है। अब दोनों साइड की चोटी को क्लिप्स को निकाल देंगे एंड दोनों चोटियों को इस तरीके से बैक साइड में लेके जाएंगे एंड सेंटर में सारे हेयर को अच्छे से नीचे की तरफ रख के सेंटर में आपको इसको एक रबर बैंड से सिक्योर करेंगे। रबर बैंड लगा लीजिएगा जिससे कि थोड़ा टाइट रहेगा। ओके अब आपको यहां से थोड़ा सा हेयर और उठा लेंगे और इसको ट्विस्ट कर देंगे आपस में। एंड तब ट्विस्ट करेंगे टाइटली एकदम बालों को ट्विस्ट करेंगे।